कि पहले औरत अपनी तारीख पर नजर डाले कि ये कहां से चली थी और इस्लाम ने उसे किस मंजिल पर लाके पहुंचा दिया। इसलिए कि इस्लाम को समझने के पहले उन तमाम एहसानात को दुनिया भूल जाती है। इसलिए कि चमकता हुआ सूरज जब चमकता है तो हमें अजमतों का एहसास हम फरामोश कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अगर सूरज न निकलता तो हमारा हश्र क्या होता। बस जो हश्र सूरज के न निकलने से इस जमीन का होता, वही हश्र इस्लाम के न आने से बनी नौ इंसान का होता। चलिए एक ही सांस में हम तारीख इंसानियत पर नजर डालते हैं। अब से 6000 साल कबल मसीह चाइना के अंदर कन्फ्यूशस जो जानवरों की मुसीबतों पर रोता है, कानून बनाता है, औरत को अपने लिए इज्जत का मकाम नहीं देता, वो महीने के मखसूस दिनों में औरत को बावर्ची खाने में जाने की इजाजत नहीं देता, वो उसे नजिस मानता है, उसके हाथ का दिया हुआ पानी, उसके हाथों की बनाई हुई गजा कन्फ्यूशस के नजदीक हराम है, नजिस है। हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर जहां अहिंसा के पुजारी हजारों साल से जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां शौहर की चिता के ऊपर जलते हुए जवान जिस्मों के धुएं को देखकर किसी पंडित की आत्मा के अंदर कोई लर्जिश पैदा नहीं होती। माथे पे तिलक लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हजारों साल से औरत के जिस्म को जलता हुआ उन्होंने देखा, लेकिन कोई आवाज उनके हक के लिए बुलंद नहीं की। गंगा के पवित्र मौजों के दामन में जिंदगियों को नजर कर दिया जाता था और ये नन्ही मुन्नी सी लड़की नजर दरिया हो जाती थी। इस पर किसी के दिल में रहम की कोई करवट पैदा नहीं हुई। जब जिस्म जलते रहे और हमने ये देखा कि ये सती की रस्म क्या है, तो फिर इसके लिए तावील पेश की गई कि उस दौर के अंदर पति और पत्नी में इस कदर प्रेम होता था कि पति के देहांत के बाद, मर जाने के बाद, उसकी पत्नी जल के अपने आतिश मोहब्बत का सबूत देती थी। हो सकता है ये तावील किसी बेवकूफ को मुतमईन कर सके, मगर आतिश उल्फत तो वो है जो दोनों तरफ जलती है। आपने कभी ऐसे इश्क भी देखा होगा जो वन वे ट्रैफिक की तरह हो, सिर्फ एक ही को इश्क होता हो, दूसरे को ना हो। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में करोड़ों मिसालें इस बात की मिलती हैं कि पति की चिता के ऊपर करोड़ों जिस्म जल गए और सती हो गई, तो कोई एक सता दिखाओ कि जो औरत के मरने के बाद उसने अपने आप को जला लिया हो। उल्फत का जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, ये आतिश उल्फत थी या फिर कुछ और था। इसलिए कि हिंदुस्तान के पुराने कल्चर के अंदर इतिहास में ये बात खुली हुई है कि यहाँ सबको मकाम हासिल था, मगर विधवा के लिए कोई मकाम हासिल न था। वो डायन थी, शौहर के घर में मुसीबत थी, माँ बाप के घर में उसको सर में तेल डालने का अधिकार न था, उसे नए कपड़े पहनने का हक न था, दूसरे को बच्चे को गोद में लेने के लिए उसको मुसीबत और डायन समझा जाता था। वो सोचती थी कि हर रोज के जलने से बेहतर यह है। कि एक ही दिन जल के खाकिस्तर हो जाए, ये एक तंज था एक जिंदगी का, एक तंज था एक हयात का, एक तंज था जिसको मोहब्बत का उन्वान दे दिया गया। हिंदुस्तान की जमीन के बराबर में हमें ईरान की सरजमीन मिलती है, जहां पर मशदक का फलसफा दुनिया का सबसे वहशतनाक फलसफा था। आपने सुना होगा कि कम्युनिज्म ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इंसानियत के फरोख की पहली खिश्त अव्वल समझा कि इंसानियत दुखी इंसानियत है, दौलत बराबर बांट दो, शांति हो जाएगी। मशदक पहला इंसान था कि जिसने कम्युनिज्म की बुनियाद डाली थी, मगर वो नालायक ये कहता है कि दुनिया में दो चीजें हैं, जड़ है मुसीबतों की, एक औरत एक दौलत, लिहाजा दौलत को भी बराबर बांट दो, औरत को भी बराबर बांट दो, औरत से बस एक ही रिश्ता रखो, वो औरत है। नतीजा ये हुआ कि शहंशाह की बाद ने अपने महल से हर किस्म के पहरे उठा लिए कि जो चाहे हरम से लुत्फानंदोज होता रहे। ये थी ईरान की वो तहजीब के जिसके अंदर मजदक के फलसफे ने इंसानियत के ऊपर वो बदनुमा दाग पैदा किया था। ईरान के पहलुओं में अरब की सरजमीन है कि जहां सदियों तक झुलसते हुए रेगिस्तानों में नन्हे मुन्ने जिस्म दबा दिए जाते थे और बाप बड़े फख्र से अपने उन नौजाइदा बच्चियों को दफन करके मुस्कुराया करता था। ये वो अरब का कल्चर था जहां बाप की छोड़ी हुई विधवाओं को जवान बेटे इस्तेमाल करते थे। इससे बढ़कर बदतहजीबी का दौर और कोई नहीं हो सकता था। अरब की सरजमीन के बराबर शाम के अंदर सैदा सूर तराबलस का वो इलाका था कि जहां औरतें
सहराओं पे बैठ जाती थी और आने वाले मुस्कराओं को मुसाफिरों के लिए सबील और वो भी फिर सबील अल्लाह समझी जाती थी। इस तरीके से इससे बढ़कर और बदतजीबे का दौर कोई न था। शाम के अंदर जो बाद में रोमन एम्पायर का हिस्सा बना, लुलू और अश्तरूत दो देवी और देवताओं थे जिनके मुजस्मों को जवान लड़कियों के खून से गुस्ल दिया जाता था। इस तरह हर साल हजारों जवान लड़कियां लुलू और अश्तरूत की नजर हो जाती हैं और उसको कोई बुरा मानने के लिए तैयार न था। सीधा सूर तरह बरस के बाजारों के अंदर लड़कियों को जानवरों की तरह बेचा जाता था, लौंडियों की तरह ये बिकती थी। ये था उस दौर का तहजीब व तमद्दुन। मिस्र के अंदर आपको मालूम है कि अगर दरियाए नील में तुगयानी ना आए तो मुल्क वीरान हो जाए। तुगयानी लाने के लिए एक और तुगयानी की जरूरत थी कि कबीले की हसीन तरीन लड़कियों को नील के किनारे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस तरह नील खून से सुर्ख हो जाता और ये समझते थे कि इस तरीके से भगवान नील खुदाए नील हमसे खुश होगा और हमको रिस्क की फरावानी में मुबतला कर देगा। यूनान दुनिया की तहजीब का पहला फलसफी मुल्क। अजीब व गरीब अकीदा था कि आसमान पे एक औरत बैठी हुई है बाल बिखराए हुए, पैंडोरा। जमीन पे जितनी आफतें आती हैं, सैलाब, बीमारियां, प्लेग, जंग, फिसाद, हंगामे, फहरासानियां, जलजले, ये सब पैंडोरा की बिना पर होते हैं। और जब जलजला आता, जब मुसीबत होती, जब कहत पड़ता, औरतों पे ताजियाने और डंडे मार के उनको सजा दी जाती कि हम पंडोरा से बदला ले रहे हैं। जब यूनान की सरजमीन खत्म हुई और उसकी पुराने खंडात और बुनियादों के ऊपर ग्रेट रोमन एम्पायर की तहजीब रखी गई, वहां एक तसव्वुर पैदा किया गया एफ्रोडाइट का कि एफ्रोडाइट वो आसमान पे एक खातून है जो दुनिया में उतरती है और उनके ताल्लुकात आसमान पे भगवानों से हैं, देवताओं से हैं और दुनिया में इंसानों से हैं। हर बुरे तसव्वुर का नाम एफ्रोडाइट का नाम दिया गया। कैलो पित्रा मिस्र की एक औरत जिसका काम ही हुस्न आफरीनिया था, उसके अलावा कुछ न था। ये दुनिया की वो तहजीब व तमद्दुन की पुराने तारीख है जिसको हम भूल गए। उसके बाद इस्लाम आया, इस्लाम के बाद यूरोपियन कल्चर, अमरीकन काउबॉय कल्चर डेवलप हुआ। इन्होंने सबसे पहले नारा यही बुलंद किया, औरतों पे जुल्म होता है हम इंसाफ देंगे, इन पर न्याय होता है हम इनके साथ मोहब्बत करेंगे, इनको हक नहीं दिया गया हम इनको हक देंगे, ये कैदी रही हम इनको आजाद कर देंगे। और हमने जब आजाद जिंदगी को देखा 25-30 साल अमेरिका और यूरोप के में खाक छानते हुए नहीं बर्फ छानते हुए गुजरे तो हमने सब कुछ देखा, औरत नाम की कोई चीज नहीं देखी। आज अमेरिका ने यूरोप ने सब कुछ दिया औरत को, मगर वो औरत कहां थी? कुदरत ने दो ही चीजें बनाई थी, एक मेल एक फीमेल। ईमेल अमेरिका ने बनाया, फीमेल अल्लाह ने बनाया।